फैमिली से संबंधित लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है। सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। वहीं कल की सुनवाई कोर्ट की ओर से टाल दी गई। अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी गई है। अब जो है 1 जून को मामले की सुनवाई कोर्ट में की जाएगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी मीसा भारती सोमवार की सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। आरोपी मीसा भारती सोमवार की सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई, जहां पर एक बार फिर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख मुकर्रर की। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हालांकि इस मामले में आरोपी लालू यादव और राबड़ी देवी कोर्ट नहीं पहुंचे। इस मामले में जुड़े सभी आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही लगातार पूरे परिवार से पूछताछ की जा चुकी है। इस मामले में इससे पहले 29 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां आरोपियों की चार्जशीट कॉपी देने को कहा गया। सीबीआई ने कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था, जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 मई की तारीख रखी थी। लालू यादव की बेटी मीसा भारती इस मामले में निर्धारित डेट पर हाजिर हुई। सुनवाई टल जाने से मीसा लौट गई। वो पहले भी इस प्रकरण में कोर्ट में हाजिर हो चुकी है। आपको बता दें कि सुनवाई टल जाने से उन्हें 1 जून को फिर से कोर्ट में हाजिर होने के लिए आना पड़ सकता है। उनसे सीबीआई और ईडी पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि 29 मार्च की सुनवाई में राबड़ी और मीसा भारती दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीमो लालू सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे, जहां लालू के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी राबड़ी और लालू के कोर्ट नहीं पहुंचने पर उनके वकील खराब स्वास्थ्य का ही हवाला दे सकते हैं। बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार में लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए कई लोगों को नियम कानून को ताक पर रखकर नौकरी दी। बताया गया कि बगैर विज्ञापन निकाले 4th ग्रेड में सीधे बहाली कर दी गई। विपक्षी दलों ने लालू यादव पर नौकरी पाने वालों से जमीन लिखवाकर अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप लगाया। मामले में सीबीआई जांच के बाद लालू यादव समेत परिवार के कई सदस्यों को इस कांड में अभियुक्त बताया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद पर 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की ग्रुप डी अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद, राबड़ी और उनकी बेटी मीसा भारती के साथ अन्य 16 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।